नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। तो कैसे हैं दोस्तों आप और आपके गार्डन? आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, प्रकृति भी कभी कभी अपने आप एक नई खोज की उत्पत्ति कर देती है। ऐसा ही कुछ आज हमारे गार्डन में देखने को मिला है। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि अडेनियम के लिए एक परफेक्ट सोयल कैसी होनी चाहिए, तो आज कुदरत ने खुद इशारा कर दिया है कि आप अपने अडेनियम प्लांट के लिए किस तरह की सोयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सोयल एकदम डिफरेंट सोयल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं इस प्लांट को इस पॉट से निकाल रहा हूं और इतनी मशक्क़त आज तक मैंने कभी भी अपने प्लांट को पॉट से निकालने में नहीं करी है, क्योंकि दोस्तों हमारी सोयल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। आप देखिए, ये सोयल एकदम नेचुरल सोयल है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं मिलाया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी पर बात करते हैं। आप देख सकते हैं, ये मिट्टी देखिए एकदम नॉर्मल मिट्टी है। इसके अंदर ना ही हमने कोई सिंडर मिलाई है, ना कुछ मिलाया है। सिर्फ और सिर्फ ये एक नॉर्मल सोयल है और इस नॉर्मल सोयल के अंदर हमारा ये प्लांट चल रहा था। अब आपको दिखाते हैं क्या इसकी स्थिति बनी है। हमारा देखिए कितनी ठोस मिट्टी है ये, लेकिन हाथ को इस तरह से दबाने पर इस तरह से बन जा रही है। तो देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद हमने इसको निकाल तो लिया है। अब इसकी सोयल को धीरे धीरे हम हटाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके अंदर कैसा कोडेक्स बना है। तो ये इस तरीके का बना है, कोई रूट काली नहीं दिखेगी आपको, सभी रूट एकदम हेल्दी हैं, थोड़ा सा भी कहीं गलन नहीं है। आप देखिए, और इसकी ब्रांच आप देख लीजिए, ब्रांच कितनी है इसमें। दोस्तों, मैं अपने अडेनियम प्लांट को वॉश करके आ गया हूँ। अब आप देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छी हैं, देखिए कितनी एकदम खिली हुई रूट्स हैं। और दोस्तों, इसकी जो रूट इस तरीके से बनी है, देखिए कोई भी रूट आपस में गुथी हुई नहीं है। इसका मेन रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। जिन लोगों ने अडेनियम कलेक्शन किए हुए हैं, जो लोग अडेनियम कलेक्शन करते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं, उन लोगों को भी अच्छी जानकारी मिलेगी इस वीडियो से, और हो सकता है कि वो लोग इस रीज़न को जानते भी हों। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि इसकी जो रूट निकली हैं और इसका कोडेक्स आप देखिए कितना अच्छा है, कितना थिक है और कितना ठोस है अभी भी, और हेल्दी प्लांट है और इसकी ब्रांच भी शॉर्ट हैं। तो मुझे इसका जो रूट्स, सबसे पहले मैं रूट्स के बारे में बता देता हूँ। मुझे इसकी रूट्स का ये जो खिला खिलापन आप देख रहे हैं, वो लगता है कि इसकी जो सोयल है वो सोयल काफ़ी हार्ड थी और साधारण मिट्टी थी, और सूखने के बाद किस तरीके हो गई थी वो आप देख ही रहे थे। तो ये ठोस सोयल होने की वजह से इसकी जो रूट्स हैं वो सीधी गई हैं, दाएं बाएं नहीं हुई हैं, इस तरह से नहीं गुथी हैं, सॉफ्ट होती है। तो ये रूट उसको आराम से कहीं भी धकेल देती है सोयल को, और अपनी जगह दूसरी बना लेती है। तो शायद ये एक रीज़न रहा है इस प्लांट की रूट्स का इस तरीके से बनने का। आप देखिए काफ़ी अच्छी रूट्स हैं। तो दोस्तों, साधारण मिट्टी में भी हम अपने अडेनियम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और अच्छी शेप पा सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके के प्लांट को यदि आप नॉर्मल सोयल के अंदर लगाते हैं, गार्डन सोयल के अंदर लगाते हैं, तो आपको ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप रहते हैं, वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप रहते हैं वहां पर बारिश ज़्यादा ना होती हो। जैसे हमारे यहाँ लगातार 7 दिन तक तो बारिश होती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन बारिश होती है। तो दो या तीन दिन की बारिश में इसको कोई दिक्कत हुई नहीं, आप देख सकते हैं। और यदि जहाँ पर कंटिन्यू 7 दिन 10 दिन बारिश होती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि साधारण मिट्टी में लगाएं तो मिट्टी भी एकदम ऐसी होनी चाहिए जैसे वाटर तुरंत निकल जाए। दोस्तों, इस मिट्टी के अंदर बालू नहीं है और ये बालू मिट्टी नहीं है, और ये गार्डन सोयल जो बालू वाली होती है वो भी नहीं है। ये सिंपल जो एक खेत होता है जहाँ पर किसान अपनी फसल उगाता है, इसके अंदर गन्ने की फसल होती थी, तो ये वो वाली मिट्टी में लाया था, किसी और प्लांट के लिए लाया था, लेकिन इस प्लांट को मैंने उसमें लगा दिया था जब ये छोटी सी सीडलिंग थी। और ये 2 साल इसी पॉट में रहा,
धूप भी रही, छांव भी रही और बरसात भी इसने देखी है। अभी आप देख ही रहे थे कुछ दिन पहले बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मैंने इसको हमेशा एक ओपन एरिया में रखा। मुझे डर था कि कहीं ये रोट ना हो जाए, क्योंकि ये सिंपल मिट्टी के अंदर लगा हुआ था और पानी भी बहुत धीरे धीरे ड्रेन होता था, तो इसीलिए मैं इसको हमेशा ओपन में रखता था कि जब भी धूप निकलेगी तो इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सूख जाया करे। तो दोस्तों इसी वजह से शायद इस प्लांट के अंदर इस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है, और इसको मैंने फुल सनलाइट में हमेशा रखा है, चाहे जून का महीना हो, जुलाई का हो, या फिर सर्दियां भी होती थी तो भी मैं इसको बाहर ही रखता था, किसी शेड के नीचे नहीं रखा है। मैंने कभी इसको शेड के नीचे इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे डर था ये गल ना जाए। तो सर्दियों में भी जो थोड़ी धूप निकलती है, वाटर जो होता है इसका वो ड्राई हो जाता है, तो इस वजह से हमें इस तरह से लगाए हुए प्लांट को, सोयल में लगाए हुए प्लांट को एकदम ओपन में रखना चाहिए। और हमारे देश की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि उसके अंदर कुछ भी होता है, तो ये अडेनियम क्या चीज़ है। अडेनियम को भी हमने साधारण मिट्टी के अंदर जर्मिनेट नहीं किया है, मतलब इसको ग्रो किया है। इसकी बढ़त जो हुई है एक साधारण मिट्टी में इस तरीके से हुई है। थोड़ी बहुत जो इसकी रूट्स होंगी, अगर मैं उसको प्रून करूँगा, जैसे सेंटर वाली मैं प्रून कर दूँगा, क्योंकि सेंटर वाली मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं उनको प्रून कर देता हूँ। बाकी ये रूट्स मैं चलाऊँगा, तो बाकी आप देखते हैं दोस्तों, रूट अपने हिसाब से कट कर सकते हैं कोई भी, तो मैं भी अपने हिसाब से ही कट करूँगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों एक बात आपसे और बतानी है, हमारे चैनल पर आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन बहुत से लोगों का अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं है। बेल आइकन प्रेस ना होने की वजह से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, और जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेरी भी करते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको सभी वीडियो की जानकारी होती रहे कि कब कौन सी वीडियो डली है। दोस्तों अपना और अपने गार्डन का ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छोटी सीडलिंग को किस तरीके से रिपोर्ट करना है, कितने समय में रिपोर्ट करना है, और कब आपको उसको बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।